आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं जा रही हूँ दही बड़े बनाने। दही बड़े के लिए मैं 250 ग्राम उड़द दाल भिगो दिए थे 5 घंटे के लिए, 4-5 घंटे के लिए, और इसको ग्राइंड में पीस लेते हैं। तो दही बड़े में डालने के लिए 4 बड़ी इलायची लिए हैं और गोलकी लिए हैं। और दही में डालने के लिए गोलकी और जीरा और लाल मिर्च उसको हम भून लिए हैं, उसको पीस कर दही में डालेंगे। उड़द दाल में पीस ली हूँ, अब जा रही हूँ इसको थोड़ा फेंटना है। फेंट लेते हैं इसको, इसको धीरे धीरे फेंट लेना है इसको पूरे। तो पूरे मेरा फेंट लिए हैं इसको, अब देख सकते हैं इसका पहचानने का तरीका कैसे मालूम चलेगा। कटोरी में पैन ले लिए हैं, इसमें डाल देंगे, ऊपर आ जाएगा तो इसका मतलब आपका दही बड़े का डो तैयार हो गया है। और जो गोलकी और बड़ी इलायची जो पीसे थे, पूरा में ही नहीं पीसे हैं, दरदरा होना चाहिए इसको, और इसमें डाल देते हैं। डाल का इसमें नमक अभी नहीं डालेंगे, क्योंकि नमक डालने से पूरा इसका डो है पतला हो जाएगा। तो आप छानते टाइम उसमें डाल दीजिए। दही ले लिए हैं, देख सकते हैं कितना सुंदर दही मेरा हुआ है। और दही को मथ लेंगे, मथ कर ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, इसको मथ लिए हैं और पानी डाल लेंगे, घना होना चाहिए। और इसमें जो मसाला पीसे थे, जीरा और गोलकी पीसे थे और मिर्चा था, लाल मिर्चा भूज कर पीस ली थी इसको, अब इसमें डाल लेंगे। ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे, फिर ऊपर से भी डालना है इनको दही बड़े के ऊपर। और स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। तो स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं। दही में तड़के लगा रहे हैं, कलछल रख लिए, इसमें तेल डाल दिए हैं और इसमें सरसों डाल रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। तड़के लगाने से आपका दही बड़े बहुत अच्छे लगेंगे, टेस्टी लगता है। और मेरा सरसों जल चुका है, सब डाल रहे हैं इसमें लाल मिर्च खड़ा, और डाल देंगे इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ते। लाल हो चुका है, अब डाल रहे हैं दही में, देख सकते हैं मेरा दही तैयार हो गया है। अब चल रहे हैं दही बड़े तलने। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है और इसमें सरसों तेल डाल रहे हैं। सरसों तेल में बनाएंगे तो ज्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी बनेगा आपका। और इसमें नमक डाल रहे हैं। डालकर इसको फेंट लेते हैं। तो मेरा तेल गरम हो गया है और कटोरी में पैन ले ली है और पानी की सहायता से ताकि चिकना चिकना मेरा दही बड़ा बनेगा डाल रहे हैं। आप अपने साइज डाल सकते हैं, छोटे बड़े जितना साइज आपको चाहिए। दही बड़े बनाइएगा और हमको जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा बना, कैसा लगा आपको। एक साइड हो गया है, अब इसको पलट दे रहे हैं। देख सकते
सकते हैं। हमारा कितनी अच्छा लग रहा है, दोनों साइड हो गया। हाँ, उसको स्पून के सहारे से ऐसे ऐसे गोद लेंगे ताकि पूरे अंदर से मेरा दही चल जाए। मेरा दही बड़े हो गए हैं, तो पानी लेनी है और इसमें डाल देंगे 2 मिनट के लिए दही बड़े। इसको पानी से निकाल कर इसे हल्के हाथ से निचोड़ देंगे पानी, फिर इसको दही में डाल देंगे। ताकि पूरे तेल मेरा पानी में इसका निकल जाए। फाइनली दही बड़े तैयार हो गए हैं, देख सकते हैं। कट करके दिखा रहे हैं कितना सॉफ्ट, और देख सकते हैं। आप भी बनाइएगा और बताइए कमेंट बॉक्स में, और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।